बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर मानो खेल रही है, मानो को जो चीज़ भी मिल जाती है वो खेलना शुरू हो जाती है। हाँ, तो ये अपने मुँह से बस खेलती रहती है, कभी बिल्कुल सीरियस होकर बैठ जाती है और कभी फुल खेलने के मूड में होती है। अब इसको पता चल गया कि मेरी वीडियो बन रही है तो भाग गई सोफे के नीचे और बस यहाँ पर ये लगी हुई है इसके साथ। पता नहीं क्या मकसद है इसका। तो जी देखें, और मानो की आइज भी अभी बहुत ही ख़राब हो रही हैं, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है इसकी आँखों के साथ। तो खैर, यहाँ पर मैं बना रही हूँ एक वीडियो, तो उसके लिए तैयारी कर रही हूँ। और ये वीडियो पहले आ गई है, आप लोगों ने अगर नहीं देखी मेरे चैनल पर तो जाकर देख सकते हैं मेरा मेकअप कलेक्शन। तो मैंने अपने चैनल पर वो वीडियो अपलोड कर दी है पहले। तो यहाँ पर मैं उसकी सेटिंग कर रही थी तो वीडियो बनाने के लिए, तो और वीडियो बनाने में तो बस 10 मिनट और 12 मिनट की वीडियो आप लोग देखते हैं, मगर उसके पीछे 2-3 घंटों की मेहनत भी होती है और पंखा भी बंद करके हमें वॉइस ओवर करना पड़ता है और बहुत ही मेहनत का काम है ये। तो तब जाके आप लोग हमारी वीडियो देखते हैं जो 10 से 15 मिनट की होती है। तो यहाँ पर मैं कर रही सेटिंग सारे सामान की, इनको अच्छे से पहले क्लीन किया और सारी चीज़ें अपनी अपनी जगहों पर रख रही हूँ। उसके बाद मैं बनाऊँगी वीडियो जो मैंने पहले बताया है कि अपलोड कर दी अपने चैनल पर, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जाकर देख लें। हम इतनी मेहनत करते हैं, आप लाइक भी किया करें और सब्सक्राइब भी कर दिया करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और यहाँ पर क्लीन हो गया है ऑलमोस्ट, अब बस मैं रिकॉर्ड करूँगी वीडियो। तो मैंने सोचा मैं कुछ बिहाइंड द सीन्स भी आपको दिखा दूँ उस वीडियो के। तो ये हैं जी इसके बिहाइंड द सीन्स। और यहाँ पर अभी बन रहा है आलू गोश्त मिक्स सब्ज़ी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है क्योंकि मेरे अब्बू को ये सालन बहुत पसंद है, मिक्स वेजिटेबल इसमें डालते हैं हम। तो इसमें कढ़ाई में सबसे पहले हमने कितने प्याज हैं, 3 बड़े प्याज और उनको पेस्ट बनाकर डाल दिया। और उसके बाद टमाटर डाले हैं, वो 4 टमाटर हैं बड़े वाले, तो 4 लार्ज साइज़ के टमाटर हैं, उन्हें भी ग्राइंडर में पीस लिया और वो ऐड किया। और इसके बाद यहाँ पर ऐड की हैं हरी मिर्चें, और एक चीज़ हमने ऐड नहीं की वो आपने नोट की क्या? तो यहाँ पर अभी भाई ग्रोसरी लेकर आए हैं, कुछ सामान जो ख़त्म हो गए थे घर में वो मंगवाए हैं अम्मी ने। और यहाँ पर साथ में ऑयल है और बाकी भी सारे सामान हैं, ये मैं देख रही थी क्या है इसमें। तो यहाँ पर चीनी है, दालें हैं कुछ, तो ये वही सामान है जो ख़त्म हो जाते हैं वो फिर उनके लिए, तो हम बार बार मार्केट नहीं जा सकते तो भाई लेके आते हैं जो भी सामान मंगवाना होता है तो। और यहाँ पर कुछ नीमको वगैरह हैं और ये भुने हुए चने हैं और ये हरा मसाला हम इसे कहते हैं क्योंकि ये तो हमारे घर में रोज़ ही आता है ना? हाँ, रोज़ ही आता है, आलू मंगाए थे तो उसके साथ तो ज़रूर आएगा फिर। और इसमें कुछ पेस्ट, शैम्पू, फेस वॉश वगैरह ख़त्म हो गए थे वो मंगवाए हैं। और ये चिकन है क्योंकि चिकन का सालन बना रहे हैं तो वो भी मंगवाई है। तो यहाँ पर अभी ऐड हो रहा है तेल, कुकिंग ऑयल, तो मैं इसकी बात कर रही थी कि ये पहले हमने ऐड नहीं किया, ख़त्म हो गया था। तो मेरी बहन ने यूँ ही सालन बनाना शुरू कर दिया, उसने बोला जब आएगा तो मैं ऐड कर दूँगी। तो ये भी काफ़ी अच्छी ट्रिक इसने दी है कि ऑयल बाद में डालो, पहले सब कुछ बना लो। तो यहाँ पर ऑयल डाल दिया है, अब इसे अच्छे से मिक्स कर रही है। और चिकन भी धोकर, 1 kg चिकन है ये, तो ये भी सारा धोकर साफ़ करके इसमें ऐड कर दिया। तो अब इस चिकन की भी अच्छे से भुनाई होगी, इसका कच्चापन सारा दूर हो जाए, तो इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। और साथ में ही पीछे चूल्हे पर दूध भी रखा हुआ है क्योंकि ये भी अभी आया है, तो साथ में ही दूध भी गर्म होता है। और यहाँ पर चिकन में ऐड की है ऑलमोस्ट 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट,
तो इसको भी अच्छे से भून लेंगे। और जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम रात के वक्त और सुबह के वक्त हमारे चूल्हों में काम ही हो रहा होता है, कुछ ना कुछ बन नहीं रहा होता है, तो अभी भी सारे चूल्हे बिजी हैं। एक में ऑयल उबल रहा है, ऑयल नहीं सॉरी दूध उबल रहा है, और यहाँ पर सालन बन रहा है। तो इसमें ऐड किया है ऑलमोस्ट 2 टेबल स्पून के करीब सालन मसाला। ये मेरी बहन इसकी रेसिपी फिर किसी और वीडियो में आप लोगों को दे देगी। सालन मसाला है तो सारी चीज़ें इसमें होती हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी ऊपर से नहीं डालना पड़ता, इसी मसाले में सब कुछ मौजूद होता है। तो जब तक सालन भी बन रहा है, साथ में मेरी बहन ने बोला कि मैं चावल बना लेती हूँ। ये जीरे वाले चावल हैं, कौन से तड़के वाले, प्याज के तड़के वाले। तो इसमें 1/2 टीस्पून जीरा ऐड किया और 1/2 प्याज भी इसमें कट करके इस तरह डाल दिया। और ये गोल्डन हो गया है तो इसमें पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर 3 ग्लास पानी ऐड किया है और पानी में उबाल आने तक इसे पकाने देंगे, पकने देंगे। तो वो आ जाते हैं जी सालन की तरफ। तो इसमें ऐड की है अभी दही, ऑलमोस्ट 1/2 कप के करीब दही है, और दही में भी इसे अच्छे से भून लेना है। इस सालन को अच्छे से भूनना है और वक्त भूनते ही रहना। तो यहाँ पर इसमें चिकन की स्मेल होती है तो फिर सालन अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए ज़्यादा भुनाई अच्छी है, तो जितना हो सके उतना भूने। और इसमें दही भी ऐड कर दी, अब जो ऐड होगा वो मैं दिखाऊंगी। और यहाँ पर पानी में उबाल आ गया है तो इसमें चावल ऐड कर देंगे। चावल कितने थे? 2 कप थे। ये तो चावल हम अपने लिए बना रहे हैं, आटा मैंने गूंद के रख लिया है, तो अम्मी और अब्बू के लिए तो रोटियां बनेंगी। ये चावल हमने अपने लिए बनाया तो इसलिए थोड़े ही लग रहे होंगे आपको। तो पीछे गली में आ गया थर्मस वाला। और यहाँ पर ऐड किया है नमक, नमक आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो पानी जब इसका बिल्कुल ड्राई हो जाए तो इसे दम पर रख देंगे। तो फिर से आ जाते हैं सालन की तरफ। तो इसमें ऐड किए हैं 2 आलू, आलू का मुझे पता है क्योंकि मैंने ही कट करके दिए थे, तो इसमें 2 आलू ऐड कर दिए हैं। और फिर इसके बाद ऐड करनी है लौकी, और लौकी को भी इस तरह क्यूब्स में काट दिया है, तो इसमें ऐड कर दी लौकी। तो अब्बू का ये वाला सालन बहुत पसंद है जिसमें हर सब्ज़ी मिक्स करते हैं हम, और इसमें अनियंस भी जाएंगे, वो बाद में जाएंगे, वो मैं दिखाती हूँ फिर आपको। तो पानी इसका ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है, बस अब इसे कवर करके रख देंगे दम पर, तो ये रेडी हो जाएंगे। और इसके ऊपर तवा रख दिया। तो ये प्याज हैं छोटे छोटे साइज़ वाले, तो ये भी इसमें ऐड कर दिए, और फिर से इसे मिक्स कर लेंगे तब तक जब तक सारी चीज़ें पक जाएं। प्याज जो ऐड किए हैं, आलू और लौकी, ये सारी चीज़ें अच्छे से पक जाएं, तो फिर इसमें ऐड करेंगे हम पानी। तो जी यहाँ पर हर चीज़ पक गई थी, तो मेरी बहन ने इसमें पानी भी ऐड कर दिया, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। तो चावल भी रेडी हो गए हैं और सालन भी रेडी हो गया है, अब बस इसे डिश आउट करते हैं। तो ये है जी फाइनल लुक हमारे डिनर की। तो साथ में ही चावल हैं और गर्मा गर्म चावल बना दिए साथ में, और ये है रोटियां, और ये है सालन, बहुत ही मज़े का बना है और देखने में भी काफ़ी। तो जी यहाँ पर मेरी बहन ने बनाया है बनाना मिल्क शेक, तो 2 कप हैं ये, मैं और मेरे भाई पियेंगे क्योंकि सुबह के ब्रेकफास्ट में हम ले रहे हैं बनाना मिल्क शेक, और काफ़ी रिफ्रेशिंग होता है ये, और अगर ठंडा हो तो तब तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम ये पियेंगे और इसके बाद हम जाएंगे टेस्ट लैब, अम्मी के कुछ टेस्ट करवाने हैं जो डॉक्टर ने रिकमेंड किए हैं, तो बस वही हमें करवाने जाना है। तो पहले हम ये पी लें, और अम्मी कुछ नाश्ता नहीं करेंगी क्योंकि बिहार मुँह टेस्ट होते हैं ये, इसीलिए यहाँ पर अभी हम पियेंगे मिल्क शेक और उसके बाद जाएंगे। तो जी अब हम जा रहे हैं टेस्ट लैब की तरफ। तो आज तो काफ़ी गर्मी है बाहर, इतनी बारिशें हुई हैं फिर भी नहीं लग रहा कि
बारिशें हुई हैं, इतनी तेज़ गर्मी है, फिर से वही हब्स हो गया है। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं रिक्शे में और यहाँ पर हम आ गए और मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ और अम्मी और भाई गए हैं रिसेप्शन पर या काउंटर जो भी बोलते हैं इसे। तो अम्मी और भाई वहाँ पर बिल वगैरह करवा रहे थे और टेस्ट के बारे में बता रहे थे कि कौन सा टेस्ट करवाना है। और अच्छा है कि लैब में इतना रश नहीं था, लोग नहीं थे, हमारा काम भी जल्दी हो गया। और यहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ और अम्मी को टेस्ट करवा रहे हैं, अम्मी का टेस्ट हो रहा है वहाँ पर। तो जल्दी से टेस्ट हो गया, बस हम अब वापस घर की तरफ जा रहे हैं। और वापस में भी गर्मी बहुत ही तेज़ हो गई थी, ज़्यादा हो गई थी क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया है ना इसीलिए। और जो रिपोर्ट्स हैं वो भाई बाद में ले आएंगे। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, आई होप आप सबको पसंद आया होगा। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं किसी और व्लॉग में, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।